हाँ माता जी नमस्ते। नमस्कार जय माता जी की। माता जी मुझे ये पूछना था कि मुझे अपनी धर्म पत्नी के बारे में पूछना था थोड़ा सा। अच्छा, अभी क्या था, 9 मई 2022 को मेरी शादी हुई थी, तब मैरिज की थी हम लोगों ने, लव को अरेंज करके। तो बीच में हमने घूमने फिरना रहा, लेकिन इसमें जो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हुए आपकी, ना मैंने उससे हाथ उठाया ना कुछ, सिर्फ मुंह से ही हो जाए, उसने मुझे दूध नहीं दिया, इसलिए हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो उसने क्या किया, 13 जून को उसने हमारे घर से निकलते ही ड्रामा कर दिया कि जो है मुझे मार रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं, और अपने भाई को बुलाया, मारपीट करके अपने घर चले गई। और उसने 14 तारीख को दहेज की एप्लीकेशन दे दी थाने में। हेलो। हाँ, हाँ तो ये सब हुआ है, अब वो वापिस आने को भी कह रही। अब आप ही देख के बताओ कि क्या होगा क्या नहीं होगा थोड़ा आगे। ये सब जो खेल हुआ है ना आपके साथ बेटे, ये दूसरों के कारण हुआ है। हाँ, तो वही है। दूसरों के कारण हुआ है, और आपके पति पत्नी के संबंध में जो विच्छेद के योग बने, दूर दूर होने के योग बने, ये दूसरों के कारण बने हैं। और दूसरे लोग जो है इंटरेस्ट आपके गृहस्थ जीवन में लिए, और वो सफल हो गए और आप असफल हो गए, क्योंकि ये परिस्थितियां शादी के समय ही निर्मित हो गई थी। और ये सब, वो बहुत ज्ञानी भी है, विद्वान भी है वो महिला, आपकी पत्नी जो है, और लेकिन अभी की वर्तमान की कंडीशन में वो दूसरों की बातों में आकर के ये सब नाटक ड्रामे कर गई। और वो कोई दूसरा नहीं है, वो आपका अपना ही व्यक्ति है, जिन्होंने आप दोनों के संबंध में विच्छेद कराया, और पारिवारिक लोग ही हैं वो। पारिवारिक लोग क्या उसके पिताजी हैं, अब तो वो पिताजी के ऊपर है, वो पिताजी ऐसे कहते हैं ऐसे कर लेगी। नहीं, अब देखो, सभी के माता पिता प्रेम करते हैं बेटे बच्चों से, बच्चियों से, है ना। अब कोई भी, आज आप भी माता पिता होंगे, आपके भी बेटी जवाई के बीच में, दामाद के बीच में अनबन होगी, तो वो कहेंगे कि बेटा थोड़ा देर रुको, वो थोड़ा अलग रहोगे तो वो खुद ही सुधरेगा, ऐसा। तो ये बात अलग है, पिताजी से हटके भी आपके ही परिवार के लोग हैं जो ये सब गलत करवा दिया। लेकिन आप क्या चाहते हैं वो बताइए। वो बेटी दोबारा वापस आए, वो पत्नी आपकी दोबारा आपके जीवन में वापस आए, और ये सब तिकड़म नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप मार्ग पूछें। हाँ बताइए दोबारा वापस आते। तो वो माँ बगलामुखी देवी की कृपा से ही वो बेटी के जीवन में सुख और सौभाग्य और पति सुख प्राप्त होगा, और आपके जीवन में भी पत्नी सुख की प्राप्ति होगी। अच्छा, तो माँ बगलामुखी देवी की कृपा प्राप्त करके जो उसके शत्रु भाव बन रहे हैं आपके प्रति, वो उसके भाव मित्रता में परिवर्तित हो जाए, उसके लिए माँ बगलामुखी पूजन करके और माता जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करो। मैया, मेरे गृहस्थ सुख में और मेरे परिवार में सुख और समृद्धि स्थापित हो, इसके लिए आप कृपा करो माता करके। तो मैया जी का पूजन हवन आप करें, करवाएं, और कैसे कैसे होगा ये बताइए थोड़ा। एक बार माँ भगवती के दरबार में पहुंचो आप मैया के। अच्छा, मैं वहां पर हुई आया एक बार कांगड़ा में। हाँ, लेकिन आपको तो मैया तो वहां भी विद्यमान है, कांगड़ा में भी, लेकिन हाँ कांगड़ा में हुई आया हाँ मैं। हाँ माँ भगवती स्वयं अपने दिव्य रूप में वहां विद्यमान है, लेकिन आपको माँ भगवती के दिव्य कृपा के बारे में सटीक मार्गदर्शन करता की तो जरूरत है ना बेटे। आप मूर्ति स्वरूप में साक्षात मैया विद्यमान है, लेकिन माँ भगवती के दिव्य वाणी को सुनने और समझने के लिए सामर्थ्यवान आपके नेत्र भी नहीं है, और आत्मा भी, मतलब कान आपके सुनने में सामर्थ्यवान नहीं है। और सामर्थ्यवान जो मनुष्य है वो सिद्ध साधक महापुरुष होते हैं, वे सुनते भी हैं, समझते भी हैं मैया के दिव्य कृपा को, जानते भी हैं, और फिर वो आपको बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से ये सब ठीक हो जाएगा, आपके जीवन में धन अर्जन होगा, माँ भगवती की कृपा से लक्ष्मी स्थिर रुकने के योग बनेंगे, धन लक्ष्मी और ग्रह लक्ष्मी दोनों के रुकने के योग बनेंगे। तो आपकी ग्रह लक्ष्मी अभी आपके विपरीत दशा में जा रही है, अभी थोड़ी देर में हाँ बोलती है, फिर नहीं बोलती, फिर हाँ बोलती, फिर नहीं बोलती है,
हाँ ये कभी हाँ क्या हाँ, बोलते तो हैं ये कि धन लक्ष्मी और ग्रह लक्ष्मी दोनों की पूर्ण कृपा आपके जीवन में हो। माँ बगलामुखी का पूजन आप करवाएं और करें, आपके सानिध्य में योग ब्राह्मण हो तो उनसे भी करवाएं, नहीं तो फिर यहाँ सिवनी से भी होता है माँ बगलामुखी का पूजन।